बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम CS302P की जो असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है प्रैक्टिकल की, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शॉर्ट सी वीडियो में मैं आपको इसमें ये असाइनमेंट बनानी सिखाऊंगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लें। आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आप देख रहे हैं, इसकी डेडलाइन जो है आज लास्ट डेट है, ठीक है। मेरे पास टाइम शॉर्ट था ज़रा, इसलिए मैंने वीडियो लेट अपलोड की है आज। तो इसमें मैं हम शॉर्ट सी वीडियो में बनाता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपने खुद पढ़ लेनी है कि ये डॉक्स फाइल में होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्ड फाइल में होनी चाहिए। उसके अलावा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझना है, आपको मैं अपने अल्फाज में ज़रा समझा देता हूँ जल्दी से। ये इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन दी हुई है। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, एक तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को यूज़ करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में एक टूल है जिसको हम बोलते हैं लॉजिक कन्वर्टर, ठीक है। लॉजिक कन्वर्टर को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको एक तो सिंप्लीफाइड करना है, एक ये टास्क हो गया। दूसरे नंबर पे वो जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगी उसका हमने नैंड बेस्ड सर्किट बनाना है, नैंड बेस्ड, ठीक है, नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है। और वो ये दो चीज़ें हमने, उसका स्क्रीनशॉट फिर लेना है, मस्ट है, ठीक है। जो हमारा सर्किट होगा, सर्किट में अपनी VUID लिखें, VUID लिख के उसका स्क्रीनशॉट लें और वर्ड फाइल में पेस्ट करके सबमिट करवा दें, ठीक है। ये मैंने असाइनमेंट बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो थी मैंने उधर से बनाई है, मैं अभी बताता हूँ कैसे बनाई है। तो वो मैंने लिख दी, एक क्वेश्चन हो गया, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये था कि आपने स्क्रीनशॉट लगाना था, ये स्क्रीनशॉट जिसमें लॉजिक कन्वर्टर भी आए, ठीक है, और लॉजिक कन्वर्टर में ये नैंड बेस्ड सिंप्लीफाइड ये भी आया, और यहाँ आपने ID पेस्ट कर देनी है, ठीक है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ किस तरह मैंने किया है, ठीक है। ये मैं इधर से क्वेश्चन वाली एक्सप्रेशन जो है इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन किया, इसमें लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसका भी लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये है लॉजिक कन्वर्टर, इसको ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद इस पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद ये आपके पास लॉजिक कन्वर्टर ओपन हो गया। अब यहाँ आपने वो जो क्वेश्चन वाली एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिख देनी है, या मैंने कॉपी की हुई है तो मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट कर दी। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि इसको सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं होती, ठीक है। ये ऑप्शन है हमारे पास, ये देखें 1, 2, 3, 4 वाला जो ऑप्शन है ये हम एक्सप्रेशन से पहले बनाएंगे टेबल, और फिर टेबल का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाएंगे, ठीक है। ये तरीकाकार है इसका, यानी कि पहले फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये टेबल बन गया। अब ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये टेबल से सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना सकते हैं, तो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो ये मैं ये क्लिक किया, ये बन गई मेरे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद फाइल में आएँ, फाइल में आने के बाद ये यहाँ पेस्ट कर दें, ये मैंने पेस्ट ऑलरेडी कर दी हुई है, ठीक है। अब आएँ क्वेश्चन की तरफ, एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट हमारा ये है कि इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का हमने बनाना है नैंड बेस्ड सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे हम मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा तो ये सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन है इसका नैंड बेस्ड सर्किट बन जाएगा। ये लास्ट वाले पे क्लिक किया, ये हमारे पास सर्किट आ गया, ठीक है। अब इस सर्किट का हम क्या करेंगे, ये आउटपुट है लास्ट वाला, इसको आउटपुट से और ये फर्स्ट वाले को अटैच कर देंगे हम ए से, नहीं हुआ सॉरी, फर्स्ट वाले को कर देंगे ए से, सेकंड वाले को कर देंगे बी से, ठीक है, और थर्ड वाले को कर देंगे डी से, ई से, ऐसे सबको करने के बाद आप यहां लास्ट वाले पे डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगा। यहां आप अपनी आईडी लिख लें, BC1234 जो भी है, ठीक है। ओके करें तो ये आपके पास सारा सॉल्यूशन आ गया। यहां से आपने स्निपिंग टूल में जाना है, ठीक है। स्निपिंग टूल में जाने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, न्यू पे क्लिक करें और ऐसे आपने ड्रैग करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया, ठीक है। इसको सेव करें, सेव करके वहाँ का उसमें पेस्ट कर दें, ठीक है।
अच्छा जनाब, ये फ़ाइल में जैसे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो सिंपल सा इतना सा ये सोल्यूशन था। अगर आपको सोल्यूशन ख़ुद बना लें बेहतर है, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप पेड बनवाना